नमस्कार, स्वागत है आपका जे न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ भूमिका। पर्यटन नगरी रामनगर में अब अगर सब सही रहा तो जल्द ही विद्युत तारों का अंडरग्राउंड का कार्य किया जाएगा। अगर सब कुछ सही रहा तो रामनगर की सड़कों पर लटकने वाले विद्युत तारों और सड़कों के किनारे लगे पोलों से मुक्ति मिल जाएगी। बता दें कि पर्यटन नगरी रामनगर की सड़कों पर मौजूद तारों का जाल और सड़कों के किनारे लगे बिजली पोल अब समस्या नहीं बनेगा। दरअसल जल्द ही उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड TAC कमेटी के इस प्रस्ताव के अप्रूवल होने के बाद विद्युत लाइनों को अंडरग्राउंड करने का कार्य शुरू करेगा। आपको बता दें कि जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का 8 मई 2023 में रामनगर दौरा था तो उनकी ओर से ये घोषणा की गई थी कि रामनगर के मुख्य रानीखेत रोड को शिवलालपुर चुंगी से लखनपुर PWD गेस्ट हाउस तक सभी बिजली की तारों को अंडरग्राउंड किया जाएगा, जिस क्रम में बिजली विभाग ने 27 करोड़ 76 लाख की लागत से अंडरग्राउंड होने वाले बिजली तारों का प्रस्ताव बनाकर शासन को भेज दिया है। इस विषय में ज़्यादा जानकारी देते हुए रामनगर के अधिशासी अभियंता बेगराज सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद हमारी ओर से प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के अंतर्गत प्रस्ताव बनाकर शासन को भेज दिया गया है। उन्होंने बताया कि टेक्निकल अप्रूवल कमेटी ने प्रस्ताव अप्रूव होने के बाद कार्य शुरू कर दिया जाएगा। इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि इससे सड़कें बिजली की तारों से मुक्त होंगी और विद्युत लाइनों के अंडरग्राउंड होने से जहां शहर में बिजली के पोल हटेंगे वहीं बिजली पोल निर्माण नहीं कराने से भी विभाग को बचत होगी और विद्युत पोल हटने से शहर का सौंदर्यीकरण बढ़ जाएगा, साथ ही सड़कों का चौड़ीकरण भी होगा। इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 8/5 को मुख्य घोषणा की गई थी कि शिवलाल टल्लू चौकी से और हमारा लखनपुर चुंगी तक जो रोड के किनारे पर खंभे हैं 33 KV 11 KV LT लाइन सारी अंडरग्राउंड होंगी, जिससे कि एक तो हमारी लाइन रोड चौड़ी हो जाएगी, ट्रैफिक का जाम भी कम हो जाएगा और एक्सीडेंट भी कम होंगे और हमारी विद्युत चोरी भी बचेगी। इसे तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने 8/5 को घोषणा की थी, जिसके तारतम्य में हमने 27 करोड़ 64 लाख रुपये का एस्टिमेट प्रस्ताव बना के भेज दिया गया है, जो कि PM गति शक्ति योजना के अंतर्गत पैसा आना है वो हमने इसको सितंबर के महीने में भेज दिया गया है। उसका पैसा आते ही ये कार्य कराना हो जाएगा। इसमें विधायक जी भी काफ़ी लगे हुए हैं, कई बार शासन में भी गए हैं वो मिलने के लिए, हम भी तो इस कार्य से काफ़ी आराम हो जाएगा रामनगर की जनता को इसके लिए। और हमारी जो सप्लाई है बिजली घर की ये भी सुचारू हो जाएगी, क्योंकि जो ओपन लाइन रहती है कभी कोई ट्रैफिक द्वारा लाइन टक्कर मार देता है तो उसकी वजह से दिक्कत हो जाती है, ये दिक्कतें भी कम होंगी। तो हमारा प्रयास है कि इस योजना के लोगों को सुचारू व्यवस्था। तो ये थी रामनगर से हमारे संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहें जे न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।